तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग इकोनॉमिक्स ऑनर्स बीए सेमेस्टर सिक्स, इकोनॉमिक्स ऑनर्स बीए सेमेस्टर सिक्स का डीएसई पेपर थ्री। डीएसई का फुल फॉर्म तो आप सभी को मालूम ही होगा, नहीं मालूम है तो बता देता हूँ, डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव। ठीक है, डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव इकोनॉमिक्स, और इसके अंतर्गत आपको जो पढ़ना है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक एंड डेमोग्राफी, एग्रीकल्चर पेपर टू है आपका। अब आइए देखते हैं 17-20 सेशन में पूछा गया पेपर का, आपको मैं दिखा रहा हूँ वीडियो। अब क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं आइए देख लेते हैं। तो आप भारत की किसी भी यूनिवर्सिटी से हो दोस्तों, सभी का सेम ही होता है सिलेबस, सब्जेक्ट आपका यही होना चाहिए, शर्त यही है। ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि आंसर एनी फॉर क्वेश्चन, क्वेश्चन वन इज सॉरी इन विच क्वेश्चन वन इज कंपल्सरी। इस पेपर में देख लीजिए कुल कितने प्रश्न हैं, तो जितने भी प्रश्न हैं मतलब कि टोटल 8 प्रश्न हैं, 8 में से आपको 4 के आंसर देने हैं, जिसमें प्रश्न संख्या 1 कंपलसरी है। मतलब कि प्रश्न संख्या को 1 को बनाने के बाद किसी 3 अदर प्रश्नों के आंसर देने हैं। ठीक है, और प्रश्न संख्या 1 को बनाना ही बनाना है, मतलब कि आप बोल दीजिएगा प्रश्न संख्या 1 को छोड़ देंगे और दूसरे प्रश्नों को बनाएंगे ऐसा में काम नहीं चलेगा, आपको बनाना पड़ेगा प्रश्न संख्या 1। ठीक है, अब आइए देखते हैं। पहला है निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन करें, 1 का ए भागे में, और सही उत्तर का चयन करना है, 4 ऑप्शन रहेंगे। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स वाज डिफाइन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि निम्न में से किसने कृषि अर्थशास्त्र की परिभाषा दी, प्रोफेसर रॉबिन्स ने, प्रोफेसर मार्शल ने, प्रोफेसर जोजियर ने, या प्रोफेसर सैम्यूलसन ने। आंसर मुझे नहीं मालूम होगा दोस्तों, आपको स्वयं निकालना है, मैं नहीं बताने जा रहा हूँ यार, तो जो बोलिएगा इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 2 है बीज बैंक की स्थापना कब हुई, सीड बैंक वाज एस्टेब्लिश इन, डेट आपको बताना है 1990-91, 2002 या सॉरी 2000 या 2001, या 1999-2000 के बीच, या बिटवीन 1996-1997, कब था डेट बता दीजिएगा। अब आता है तीसरा प्रश्न, भारत में सिंचाई की सब कुछ है, भारत में सिंचाई ही सब कुछ है और जल भूमि से भी अधिक महत्वपूर्ण है, जल जो है भूमि से भी अधिक महत्वपूर्ण है, किसने कहा था। इरिगेशन इज एवरीथिंग, वाटर इज इवन मोर वैल्यूएबल देन लैंड इन इंडिया, हु सेड, किसने कहा था। पीटर हैगेट ने, सर चार्ल्स ट्रेवेलियन ने, या डॉक्टर मान ने, या महात्मा गांधी ने। चौथा प्रश्न है हरित क्रांति का जनक कौन है, हु इज द फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन, ग्रीन रिवोल्यूशन के पिता कौन है जी, नॉर्मन बोरलॉग। हरित क्रांति के पिता तो नॉर्मन बोरलॉग है, लेकिन भारत में पूछ देगा तो भारत में हो जाएगा एमएस स्वामीनाथन, तो यहाँ पे तो गलत बच्चे ने टिक लगा दिया जी। अगला है नाबार्ड की स्थापना कब हुई, नाबार्ड वाज एस्टेब्लिश, तो यह 6ठी पंचवर्षीय योजना के समय हुई थी दोस्तों, अब आप खुद से अनुमान लगा लीजिए कि 6ठी पंचवर्षीय योजना 6 5-year plan कितना से कितना के बीच चला था। अब आता है 1 का बी, 1 का बी में आपको 5 अंकों के 2 प्रश्नों के आंसर देने हैं और आंसर आपको 150 शब्दों में देने हैं। पहला है कृषि में सहकारी की भूमिका, यानी कि रोल ऑफ कॉरपोरेटिव इन एग्रीकल्चर। दूसरा है कृषि का संस्थागत स्रोत, इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ एग्रीकल्चर। तीसरा है आपका सार्वजनिक वितरण प्रणाली, यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसमें आप चावल वगैरह मिलता है जिसे आप कोटा बोलते हैं। चौथा है बेरोजगारी का कारण, कॉसेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, यही चौथा चीज़ ने भारत को मार दिया है। इतना जनसंख्या क्या बढ़ाने की ज़रूरत है यार, शादी कीजिएगा हम दोस्तों, मैं सच बता रहा हूँ, बेटा हो चाहे बेटी, 2 से ज़्यादा मत करना, नहीं तो मैं भी आपको गाली दूंगा यार। जनसंख्या इतना बढ़ गया भारत में कि काम की कमी होने लगी है यार, और सबको चाहिए सरकारी नौकरी, लो बेटा सरकारी नौकरी। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1, अब आता है क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ से सभी 20-20 नंबर के प्रश्न हैं तो आंसर देने हैं आपको। दूसरा क्वेश्चन है आपका
भारत को कृषि यंत्रीकरण की आवश्यकता का उल्लेख करें, इसको अपनाने में क्या कठिनाइयां हैं, आवश्यक सुझाव दें। डिस्क्राइब द नीड ऑफ मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया, व्हाट आर डिफिकल्टीज इन एडेप्टिंग इट, गिव नेसेसरी सजेशन। आज यार वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा है, फिर भी वीडियो बना रहा हूँ। डिफाइन ग्रीन रिवॉल्यूशन इन एग्रीकल्चर, डिस्कस इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज इन कॉन्टेक्स्ट विद इंडिया। तो क्या क्या इसकी हानियाँ हैं, बुराइयाँ हैं, बताना है। कृषि में हरित क्रांति को परिभाषित करें, भारत के संदर्भ में इसके लाभ एवं हानियों की विवेचना करें। चौथा प्रश्न है आपका, भारतीय कृषि विपणन व्यवस्था के दोषों का वर्णन करें। कृषि विपणन व्यवस्था में सुधार हेतु किए गए सरकारी उपायों की व्याख्या करें। इंग्लिश में है, डिस्क्राइब डिफेक्ट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम, एक्सप्लेन द गवर्नमेंट मेजर्स टू इम्प्रूव द सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग। अगला है पांचवा प्रश्न, संधारणीय कृषि का अर्थ एवं आवश्यकता की व्याख्या करें। नवीन कृषि एवं संधारणीय कृषि की आवश्यकता, सॉरी अवधारणाओं की व्यक्त करें, अवधारणाओं को व्यक्त करें। डिस्कस द मीनिंग एंड नीड फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट ऑफ न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। अब आइए देखते हैं छठा प्रश्न, कृषि मूल्यों में परिवर्तन के कारण क्या हैं, कृषि मूल्य निर्धारण की विधियों की व्याख्या करें। व्हाट आर द कॉसेस ऑफ फ्लक्ट, एक मिनट यार, फ्लक्चुएशन इन एग्रीकल्चर एग्रीकल्चरल प्राइसेस, एक्सप्लेन द मेथड ऑफ फिक्सिंग एग्रीकल्चरल प्राइसेस। ठीक है, अब आइए देखते हैं सातवां प्रश्न, योजना काल में भारत में कृषि विकास की व्याख्या करें, यानी कि जब प्लानिंग पीरियड था उस समय में एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट किस प्रकार हुआ इंडिया में, आपको बताना है। आठवां प्रश्न है, भूमंडलीकरण को परिभाषित करें, भूमंडलीकरण के परिप्रेक्ष्य में भारतीय कृषि की समीक्षा करें। डिफाइन ग्लोबलाइजेशन, इवेलुएट द इंडियन एग्रीकल्चर इन री फ्रेंसेस टू ग्लोबलाइजेशन। बार बार आज नींद आ रहा है दोस्तों, वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा है, फिर भी चलिए। यह था आपका सेमेस्टर सिक्स इकोनॉमिक्स ऑनर्स का DSE पेपर 3, एंड आपको जो भी करना है इसके बाद कंप्लीट हो जाएगा आपका ग्रेजुएशन। जो भी करना है यार, बेरोजगार मत रहिए, काम कीजिए कुछ ना कुछ, बेरोजगार मत रहिए, ठीक ना। ये मत देखिए कि सरकारी नौकरी मिलेगा तभी करेंगे, यार कुछ भी काम करो जो भी मिल रहा है, बाद में सरकारी नौकरी करते रहना, क्योंकि अक्सर जो लोग ग्रेजुएशन करते हैं यही फिराक में रहते हैं, और इसी कारण माँ बाप के बोझ बन जाते हैं, धरती के बोझ बन जाते हैं, काम उम करते नहीं हैं, गधों लोग। काम करो, पढ़ाई करो, अच्छे से एग्ज़ाम दो। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।